हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अभिग्नि फूड बुक में। फ्रेंड्स, जो आज मैं चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कॉर्न चाट, और आज इसे मैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी, जिस तरह से आमतौर पर घरों में बनाई जाती है। तो चलिए बनाने चलते हैं कॉर्न चाट। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप कॉर्न को उबाल लिया है। अब एक प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, इसके फाइन चॉप हमें करना है। प्याज देखिए पूरा बारीक बारीक काट लिया है, इसको हटाकर अलग रख देंगे। अब मिर्च काटेंगे और साथ में अदरक को भी काटेंगे। आप मिर्च की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको तीखा पसंद हो। अदरक को भी बारीक बारीक काट लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में जो हमने प्याज काट के रखा हुआ था उसको डालेंगे। इसी के साथ में अदरक और मिर्च को भी डालेंगे। साथ में मैंने 3 टमाटर काटे हैं, उनको भी डाल के इसमें अच्छी तरह से हम कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर गल ना जाए। 1/2 चम्मच हल्दी मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। नमक मैंने थोड़ा सा कॉर्न को उबालते समय भी डाल दिया था। टमाटरों को हमें अच्छी तरह से गलने तक कुक करना है। जब टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो इसमें हम बॉईल किए हुए कॉर्न ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और ढककर इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच में इसे एक बार हम चला भी देंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और गरम गरम कॉर्न चाट सर्व करेंगे। एंड में इसके नींबू का रस डालेंगे सर्व करते समय, और थोड़ा सा प्याज डालेंगे। हमारी कॉर्न चाट खाने के लिए तैयार है। यदि आपको ये कॉर्न चाट की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।